चलो वेलकम भाई। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा म्यूटेबल रेफरेंसेस अलाउ नहीं होते, इसकी मदद से हमें क्या बेटरमेंट अचीव होती है, वो ये होती है कि रेस्ट जो है इसकी मदद से आपकी डेटा रेसेस को कंपाइल टाइम पे ही प्रिवेंट कर देता है। अब ये डेटा रेसेस क्या बला है? डेटा रेसेस तब अगर होती है जब दो से ज्यादा पॉइंटर, पहली बात तो ये कि सेम डेटा को सेम टाइम पे एक्सेस कर रहे हैं, नंबर एक। और नंबर टू ये कि उनमें से एटलीस्ट एक पॉइंटर या फिर दोनों या दो से ज्यादा जितने भी हैं उनमें से एटलीस्ट एक जो है ना वो डेटा को राइट करने की कोशिश कर रहा हो। अब देखिए होगा क्या कि बिलफर्स हमने दो पॉइंटर बना लिए, ठीक है, और उन दोनों में से एक ने डेटा रीड किया और जब उसने रीड किया तो साथ ही दूसरे वाले पॉइंटर ने वहां पे डेटा के अंदर कुछ चेंज ले आया। अब जब दूसरे वाला डेटा पॉइंटर जो है वो जब उस डेटा में चेंज लेके आएगा, वैल्यू में चेंज लेके आएगा, तो पहले वाला तो वो वैल्यू रीड कर चुका है। अब उसको कैसे पता चलेगा कि यार पीछे तो डेटा या वो वैल्यू चेंज हो गई है? ठीक है, इसकी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बैंकिंग सिस्टम की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेरिएबल है एक जिसके अंदर वैल्यू आ रही है आपके अकाउंट में मौजूद बैलेंस की। तो सपोज करते हैं कि हमारा वेरिएबल है जिसका नाम है बी, और बी के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो है 1000। ठीक है जी, ये आपका बैलेंस है जी अकाउंट का। अब हम क्या करते हैं कि हम नंबर एक तो ये कि हम अपने पास ना मोबाइल ऐप खोल लेते हैं अपनी, उसके अंदर अपना बैंकिंग की ऐप चलाते हैं। तो वो बैंकिंग की ऐप क्या करेगी कि वो जाकर जरा आप यहाँ से डाटा रीड या अगर आप वहाँ से कोई मनी ट्रांसफर करने की कोशिश करें यूजिंग योर बैंकिंग ऐप मोबाइल में से, तो वो मतलब इस डाटा को चेंज कर लिया। लाइक अगर मैं या बैंकिंग ऐप में जाता हूँ और यहाँ जाके उसे कहता हूँ कि 200 रुपीज़ जो है वो किसी एक्स वाई जेड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, तो वो ट्रांसफ़र भी कर देगी और डेटा को चेंज करके 1000 की जगह इसकी वैल्यू 1000 कर देगी। ठीक है, तो ये भी राइटेबल है या ये डेटा रीड भी कर रही है, यानी कि जो भी बैलेंस की वैल्यू आपके सर्वर पे पड़ी हुई है उसको उठा के ला के रीड करवा रही है। और साथ हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एटीएम मशीन के अंदर आपका एटीएम कार्ड भी है आपके हाथ में। तो आप क्या करते हैं कि एक हाथ में उठाते हैं एटीएम कार्ड और दूसरे हाथ में उठाते हैं अपना मोबाइल और घुस जाते हैं किसी एटीएम मशीन वाले बूथ में। ठीक है, आप क्या करते हैं, इधर से एटीएम कार्ड डालते हैं और इधर से अपनी मोबाइल की ऐप यूज करते हैं। तो जब आप मोबाइल की ऐप यूज करते हैं और साथ साथ उसको कह रही है कि यार आप 200 रुपीज ट्रांसफर कर दो कहाँ पे, किसी अकाउंट में एक्स वाई जेड में। ठीक है, तो जूं जूं आप ये मोबाइल के ऊपर अपनी ट्रांजैक्शन दे रहे हैं जिसमें अकाउंट नंबर वगैरह डाल रहे हैं, तो जो ही आपने मोबाइल ओपन की होगी तो उस ऐप ने चेक किया होगा ना कि आपका करंट बैलेंस इस पर क्या है, तो उसको पता चला होगा कि 1000 है। साथ साथ ही आप एक हाथ में आपने मोबाइल पकड़ा है और आप ये काम कर रहे हैं, और साथ ही दूसरे हाथ से आप क्या करते हैं कि वो जो एटीएम मशीन है उसके अंदर आप कार्ड को इंसर्ट करते हैं और उससे कहते हैं कि यार मुझे जितना भी बैलेंस है, इनकी बैलेंस चेक किया तो उसको पता चला आपको कि 1000 रुपये बैलेंस है इस वक्त। ठीक है, आपने कहा जी मुझे 1000 रुपये ड्रॉ कर दो। तो आप एक तरफ क्या कर रहे हैं कि आप मशीन में आपने ये कार्ड डाला और उसने भी बैलेंस चेक किया तो पता चला कि 1000 है, तो आप उसे कमांड दे रहे हैं कि भैया मुझे 1000 रुपये निकाल दो कैश।
और इस तरफ जब आप ये यूज कर रहे थे ऐप, इसने भी जब चेक किया था बैलेंस तो 1,000 ही था, तो आप इसको कह रहे हैं कि भाई इसमें से जो है ना 200 रुपये किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों ने जब इनिशियली रीड किया था तो अब उस वक्त वैल्यू 1,000 थी अकाउंट बैलेंस की। अब इधर से भी आप 1,000 निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से भी आप 200 रुपये निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ये ट्रांजेक्शन दोनों अकर हो जाए तो आपका जो बैलेंस है वो तो -200 में चला जाएगा। क्यों? आपका जो बैलेंस था वो था 1,000, 200 आपने यहाँ से किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और 1,000 रुपये आपने यहाँ से निकलवा लिया, तो अकाउंट में पड़े हुए थे 1,000 रुपये, ट्रांजेक्शन आपने कर दी 1,200 रुपये की, तो गड़बड़ आ गई ना। सॉरी, इस वजह से क्या होता है, रस्ट है कि डेटा रेसिस को अवॉइड करती है, ताकि आप कहीं पे भी ऐसा ना हो कि दो या एक से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा जो है म्यूटेबल रेफरेंसेस किसी डेटा को पॉइंट आउट कर रहे हो और उसके बाद वो डेटा को चेंज करते रहे और जो रेलेवेंट सेकंड उनके वो जो रेफरेंसेस हैं जो उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं उनको, अब उनको वो वैल्यू नई वाली अपडेट कैसे बताई जाए कि जनाब अब किसी ने पीछे से वैल्यू चेंज कर दी और अब उसकी करंट वैल्यू ये आ रही है, ठीक है ना। तो ये इस इशू को रस्ट ने बिल्कुल ही सिरे से प्रिवेंट करवा दिया और उन्होंने कहा कि जनाब हम नंबर एक तो ये कि एक से ज्यादा म्यूटेबल रेफरेंसेस अलाउ ही नहीं करेंगे, एक वक्त में एक ही रेफरेंस होगा जो कि किसी डेटा को चेंज कर सकता है थ्रू रेफरेंस। अब उसके उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दी, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है जी हमने एक स्ट्रिंग बना दिया हेलो का, उसको हमने इसमें सेव कर दिया म्यूटेबल टाइप के, ठीक है जी। फिर यहाँ पे देखिए वो वाला काम हो रहा है कि आपने एक आर मैन म्यूटेबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको रेफरेंस दे दिया एस का म्यूटेबल आर वन के अंदर, ठीक है। तो इसने जो भी इसके बाद आपने काम किया, काम करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आके उसका स्कोप आर वन का खत्म हो गया, तो इस पॉइंट तक हमारे पास एक वेरिएबल था एस और एक उसका म्यूटेबल एक ही रेफरेंस था आर वन। तो जब हम यहां पहुंचे तो यहाँ पे आके आर वन ड्रॉप हो गया, तो अब सिर्फ एक वेरिएबल रह गया एस। अब हमने यहाँ पे दोबारा उसी एस के लिए एक म्यूटेबल रेफरेंस बनाया आर टू के नाम से। अब चूंकि इसका कोई और म्यूटेबल रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो इस प्रोग्राम ने हमें अलाउ कर दिया, उसी तरह से जिस तरह हमने अपने एग्जाम्पल कोड में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था थोड़ी देर पहले। सॉरी, अच्छा अब ये दूसरी एग्जांपल आ गई जो कि जिसका बैकग्राउंड जा रहा है पिंकिश सा है, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे कोई एरर है, एरर क्या है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब उसी तरह का कोड है, हमने एक एस वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर वैल्यू डाल दी हेलो की, उसके बाद हमने एक इम्यूटेबल रेफरेंस बनाया आर वन, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा, कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक म्यूटेबल रेफरेंस एक वक्त में अलाउड होता है, इम्यूटेबल आप जितने मर्जी बना सकते हैं। हमने एक और इम्यूटेबल रेफरेंस बनाया आर टू, बिल्कुल ठीक है, ओके। जो ही हमने अब ये आर थ्री बनाया, लेकिन उसको हमने म्यूटेबल बनाने की कोशिश की, तो इसने हमें एरर दे देना है। और ये एरर क्यों देगा, ये दूसरी एक कंडीशन है, ये एरर इसलिए देगा कि आर वन और आर टू ने डेटा को रीड करना होगा, लेकिन वो डेटा कोई म्यूटेबल वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं, वही वाली बात, ठीक है। अब दो बंदों को तो नजर आ रहा होगा कि बैलेंस 1,000 है, 1,000 है, लेकिन तीसरा जो है वो पीछे से 1,000 ड्रॉ करा चुका होगा, तो बैलेंस तो जीरो हो चुका होगा, तो एक इशू बन जाएगा, ठीक है। तो होता ये है कि जब म्यूटेबल रेफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होता है तो नंबर एक तो ये कि वो कोई दूसरा म्यूटेबल रेफरेंस भी नहीं बनाने देता,
और एक तो मतलब रिस्ट्रिक्शन ये थी जो हमने पढ़ी, और एक सेकंड रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर इम्यूटेबल रेफरेंसेस वैलिड एग्जिस्ट कर रहे हों तो वो सॉरी इम्यूटेबल रेफरेंसेस वैलिड एग्जिस्ट कर रहे हों तो वो आपको म्यूटेबल रेफरेंस पेयर नहीं बनाने देता। ये दो रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी? नंबर एक तो ये कि एक स्कोप में एक वक्त में किसी वेरिएबल का एक ही म्यूटेबल रेफरेंस हो सकता है, नंबर एक। नंबर टू ये कि अगर किसी वेरिएबल के इम्यूटेबल रेफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हों तो जब तक वो एग्जिस्ट करते रहते हैं तब तक वो उस वेरिएबल के लिए म्यूटेबल रेफरेंस बनाना नहीं अलाउ करता। ठीक है जी, तो ये देखें ये यहाँ पे एरर दे रहा है उस प्रोग्राम में। एरर क्या आएगा कि कैनॉट बोरो एस एज ए म्यूटेबल बिकॉज इट इज ऑल्सो बोरोड एज इम्यूटेबल। तो जब भी कभी आपने अगर इम्यूटेबल रेफरेंसेस बनाए हुए हैं तो उनकी मौजूदगी में आपको एक भी म्यूटेबल रेफरेंस नहीं बनाने देगा, एक भी। यहाँ पे बता भी रहा है कि देखें यहाँ पे इम्यूटेबल बोरो से बने हुए हैं और यहाँ पे आप म्यूटेबल बोरो बना रहे हैं तो इसकी वजह से ये अलाउ नहीं करेगा आपको। सही, तो दो डेटाबेस में कंडीशन आती हैं जो कि रस्ट प्रिवेंट करता है कंपाइलर रस्ट का। पहली, एक स्कोप में आप दो म्यूटेबल रेफरेंस नहीं बना सकते किसी वेरिएबल की, पहली। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी वेरिएबल के इम्यूटेबल रेफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हों तो उनकी मौजूदगी में आप कोई एक भी म्यूटेबल रेफरेंस नहीं बना सकते। ठीक है, और इसकी वजह क्या होती है, वही वाली बात कि डेटा रेसेस कॉजेज अनआइडेंटिफाइड बिहेवियर एंड कैन बी डिफिकल्ट टू डायग्नोज एंड फिक्स। इस वजह से रस्ट प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम फ्रॉम हैपनिंग बिकॉज इट वॉन्ट इवन कंपाइल द कोड विच कंटेन डेटा रेस कंडीशंस। तो इस इशू की वजह से कि यार ये डेटा का जो बिहेवियर है वो रन टाइम पे फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है और आप जो समझ रहे हैं प्रोग्राम शायद वैसा बिहेव ना करे, और आपको पता है रस्ट एक बड़ी सिक्योर लैंग्वेज है तो इस तरह की किसी भी पॉसिबिलिटी को वो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करती और वो आपका कोड कंपाइल ही नहीं करेगी वो वाला जिसके अंदर उसको जरा सा भी शाइपा होगा कि यहाँ पे कहीं पे डेटा रेस अगर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे जाके डेटा रेस खत्म हो जाती है और आज के सेशन का हमारा आखिरी टॉपिक आ गया है डैंगलिंग रेफरेंस। डैंगलिंग रेफरेंस के बाद हमारा आज का ये सेशन खत्म हो जाएगा। और डैंगलिंग पॉइंटर क्या होते हैं? डैंगलिंग पॉइंटर उन लोकेशन ऑफ द मेमोरी को कहा जाता है जो कि जहां पे एरर अगर होने का चांस होता है। ठीक है, और रस्ट का जो कंपाइलर होता है इंश्योर करता है कि डेटा आउट ऑफ द स्कोप तब तक ना हो जब तक उसका जो रेफरेंस है ना वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस चीज को थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये देखें जी, ये एक डैंगलिंग रेफरेंस की एग्जांपल है जिसके ऊपर रस्ट का कंपाइलर हमें एरर देगा। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा एक फंक्शन है मेन का, उसके अंदर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं रेफरेंस टू नथिंग और उसके अंदर हम वैल्यू एक डेंगल नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं और वो जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना वो हम इस वेरिएबल में सेव करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि डेंगल नाम का फंक्शन कॉल होगा, हम फंक्शन डेंगल में चले जाते हैं। ये जो फंक्शन डेंगल है इसका जो सिग्नेचर है वो ये कि ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, स्ट्रिंग का रेफरेंस रिटर्न करता है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का रेफरेंस रिटर्न करता है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल बन रहा है एस नाम का जिसकी टाइप है स्ट्रिंग और उसके अंदर वैल्यू डाली जा रही है हेलो, वेरी फाइन, और उसके बाद इस एस का रेफरेंस रिटर्न करवाया जा रहा है। अब देखें क्या होगा, जब ये कोड रन होगा तो ये डेंगल का फंक्शन कॉल करेगा तो प्रोग्राम यहाँ डेंगल के फंक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे वो एक स्ट्रिंग बनाएगा जिसका नाम होगा एस और उसके अंदर वैल्यू डाल देगा हेलो के, फाइन। अगली लाइन पे आएगा और इस एस नाम के वेरिएबल का जो रेफरेंस है ना, जो इसका पॉइंटर है, वो रिटर्न कर देगा कॉलिंग फंक्शन को। इस पॉइंट पे क्या पहुंचेगा,
एस नाम के वेरिएबल का रेफरेंस, और वो जाके सेव हो जाएगा रेफरेंस टू नथिंग नाम के वेरिएबल के अंदर। लेकिन आप खुद देखें कि जो ही ये वैल्यू रिटर्न होगी उसके बाद ये फंक्शन खत्म होगा, और जो ही ये फंक्शन खत्म होगा तो एस के लिए ड्रॉप कॉल हो जाएगा। अब जब एस के लिए ड्रॉप कॉल होगा तो एस तो मेमोरी में से वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है, तो एस का जो पॉइंटर है वो तो यहाँ पे सेव हुआ हुआ था। अब पॉइंटर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होगा लेकिन आगे जो डेटा जहां पे पड़ा होना था वो जगह तो ड्रॉप होने की वजह से साफ हो चुकी है। अब इस चीज को कि ऐसा रेफरेंस ऑफ द पॉइंटर टू द मेमोरी जो कि मेमोरी ऑलरेडी डीएलोकेट हो चुकी हो, जो कि मेमोरी ऑलरेडी फ्री हो चुकी हो, इस रेफरेंस को कहते हैं डैंगलिंग रेफरेंस, कि वो रेफरेंस जो कि रैम में नो वेयर कहीं पॉइंट कर रहा हो, वहां पे डाटा पड़ा हुआ ही ना हो, डाटा डीएलोकेट हो गया हो, क्लियर हो गया हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं डैंगलिंग रेफरेंस। तो रस जो है ना डैंगलिंग रेफरेंस वाली कंडीशन को डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करने के बाद उनको प्रिवेंट कर देता है, और आपका जो प्रोग्राम होता है वो कंपाइल टाइम पे एरर दे देता है, जिस तरह कि इस वाले प्रोग्राम में हमें एरर देगा, क्या दे रहा है, मिसिंग लाइफ टाइम स्पेसिफायर, और यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम स्पेसिफायर, और ये आगे उसकी हेल्प वगैरह में वैल्यू भी दे रहा है। तो ये जो लाइफ टाइम है ना, लाइफ टाइम हमारे कुछ 14वें 15वें चैप्टर में जाकर डिस्कस होगा। उससे पहले आप सिर्फ ये देख लें कि जो डैंगलिंग रेफरेंस है ये बेसिकली उसको हैंडल करने का तरीका बता रहा है, कि अगर आपका कोई डैंगलिंग रेफरेंस आपके लिए ज़रूरी है कि आपने वो डालना ही डालना है, तो उसके लिए आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप इसकी फिर लाइफ टाइम स्पेसिफाई करें, ठीक है। तो लाइफ टाइम क्या होती है वो आगे जाके जब हम पढ़ेंगे तो हम स्पेसिफाई भी कर लेंगे। फिलहाल आपने डैंगलिंग रेफरेंस की कंडीशन समझनी है कि डैंगलिंग रेफरेंस कहाँ पे कर हो रहा होता है, ऐसी जगह पे जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल थी कि हमने एक स्ट्रिंग बनाया, उसका रेफरेंस किसी फंक्शन को पास कर दिया, लेकिन जो ही इस फंक्शन का स्कोप एंड होगा तो साथ ही जो रैम में से ये जो बेसिकली एस नाम का वेरिएबल था ये क्लियर होगा। जब ये क्लियर होगा तो इसके लिए जो पॉइंटर बना हुआ था वो भी वैल्यू ऑफ इनवैलिडेट हो जाएगी ना, क्योंकि जो ही ये फंक्शन खत्म हुआ तो साथ ही एस ड्रॉप हो गया, ड्रॉप हो गया तो रैम में तो उस जगह पे जहाँ पे वो पॉइंटर पॉइंट कर रहा था वहाँ तो कोई वैल्यू रही नहीं, वो तो फ्री हो गई और वापस ऑपरेटिंग सिस्टम को मिल गई वो जगह। तो इस वजह से वो जो रेफरेंस है वो मतलब सही नहीं रहेगा, वैलिड नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को कहते हैं डैंगलिंग रेफरेंस, ठीक है। और ये इसका कोड था। अब इस कोड को ठीक करने का बड़ा सादा सा तरीका है, एक तो वो था ना कि वो जो बता रहा है कि लाइफ टाइम स्पेसिफाई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 14-15 में पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह वो तरीका भी इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन फिल वक्त इस कोड को ख़त्म करने का बड़ा आसान सा तरीका है, वो ये है कि जो आपने स्ट्रिंग बनाई है ना, अब उसका रेफरेंस पास करने के बजाय वो स्ट्रिंग वेरिएबल ही आप रिटर्न करवा दें, ठीक है। इस पॉइंट पे गौर करें कि आप वो रेफरेंस क्यों भिजवा रहे हैं। जब आप रेफरेंस भिजवाते हैं और थोड़ी देर बाद जब ये फंक्शन ख़त्म होता है तो वो रेफरेंस वाली जगह तो मेमोरी में से वॉश हो रही है, उसकी जगह वो जो वेरिएबल है वही पास ऑन करवा दें। तो आपको पता है कि जो स्ट्रिंग है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, ये हीप बेस्ड डेटा टाइप है, और जब आप इसको इसके वेरिएबल को पास ऑन करवाएंगे एज ए रिटर्न तो क्या होगा कि वो जो एस है वो इनवैलिड हो जाएगा और एस की जो वैल्यू है वो पास ऑन हो जाएगी कॉलिंग फंक्शन की तरफ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी वो जो अब बाय रेफरेंस नहीं जा रही, बाय वैल्यू जो है ना डाटा मूव हो रहा है, तो इस वजह से आपका वो डैंगलिंग रेफरेंस वाली जो कंडीशन थी ना वो ख़त्म हो जाएगी, और सिर्फ वो एंड हटाने की वजह से ये देखिए पुराना कोड देखें, ये यहाँ पर रिटर्न कर रहे स्ट्रिंग का रेफरेंस, और यहाँ पे भी रिटर्न वाली जगह पे भी ये स्ट्रिंग का रेफरेंस रिटर्न कर रहा है। इसकी जगह हमने सिंपल सा क्या किया कि हमने बजाय रेफरेंस रिटर्न करवाने के हमने वो स्ट्रिंग का वेरिएबल रिटर्न करवा दिया, तो हमारा कोड बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं, देयर कैन ईदर बी वन म्यूटेबल रेफरेंस और एनी नंबर ऑफ इम्यूटेबल रेफरेंसेस। पहली तो बात ये होगी जो तो हमने थोड़ी सी पहली वाली स्लाइड में देखी थी कि एक वक्त में सिर्फ एक स्कोप में एक म्यूटेबल रेफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा या मल्टीपल इम्यूटेबल रेफरेंस एग्जिस्ट कर रहे होंगे, पहली बात।
और दूसरी बात ये डैंगलिंग रेफरेंस के वाले से कि रेफरेंसेस मस्ट ऑलवेज बी वैलिड, वो इनवैलिड रेफरेंस नहीं होने चाहिए, वरना वो डैंगलिंग कंडीशन अकर हो जाएगी और रस्ट का जो कंपाइलर है वो आपको एरर दे देगा। तो जनाब यहाँ तक हमने क्या कुछ पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया ऑनरशिप एंड बोरोइंग जो कि इंश्योर करते हैं मेमोरी सेफ्टी एट कंपाइल टाइम, ठीक है। नंबर टू कि आप जो मेमोरी है अपनी उसका यूजेज उसी तरह से कंट्रोल करें जिस तरह से आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। रस्ट होती है वो आपका जो डाटा होती है वो क्लीन कर देती है जो ही आपका जो ऑनर होता है वो आउट ऑफ स्कोप होता है, यानी कि ड्रॉप का फंक्शन या पॉप का फंक्शन कॉल करवा लेती है। और इस मकसद के लिए आपका कोई एक्स्ट्रा कोड यूज नहीं होता, जिस तरह हमने कहा था ना कि पहले आपको पुरानी लैंग्वेजेस में या तो आपको गार्बेज कलेक्टर यूज हो रहा होता था इस काम के लिए, या फिर जो प्रोग्रामर होता था वो खुद से मेमोरी एलोकेट और डी एलोकेट करवाता था। लेकिन रस्ट ने ये चीज़ आपसे ख़त्म करवा दी, उसने कहा जनाब आप बिल्कुल बेफिक्र होकर प्रोग्रामिंग करें, अच्छी प्रोग्रामिंग करें, सिक्योर प्रोग्रामिंग करें, प्रोग्रामिंग करते हुए ऑनरशिप वगैरह का ख्याल रखें, और बाकी जो ही आपका वेरिएबल आउट ऑफ स्कोप होगा तो उसको ड्रॉप और पॉप करने की जिम्मेदारी मेरी रही। तो जनाब यहाँ तक कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ बिला तकल्लुफ पूछ लीजिए, वरना हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। और अब हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो तकरीबन स्लाइड्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो चुका है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो रेस्ट की जो बुक है ऑफिशियल जो कि कंपाइलर के साथ ही सेव हुई होती है उसको जाके ज़रूर रिव्यू करें, और जो कंसेप्ट्स हैं इनको वहाँ पे ज़रा डिटेल में रीड आउट करें चैप्टर नंबर 4 को, और उसके बाद तैयारी करें अपने आने वाले नए क्विज की। तो चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, इजाज़त चाहते हैं जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।